हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन का भरता बनाने का वीडियो। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम गैस को बिना गंदा किए और बिना बैंगन को गैस पर डायरेक्ट भुने हुए बैंगन का भरता बना सकते हैं, और वो भी झटपट मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन का भरता बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे 1 चम्मच ऑयल डालकर। चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करने के बाद कढ़ाई हम गैस ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो पर ही रखेंगे। और अब हम बैंगन लेंगे एक बड़े साइज़ का। बड़े साइज़ का यानी कि मैंने ये बैंगन आधा किलो का लिया है। आप अपने हिसाब से बैंगन का वेट रख सकते हैं। और सबसे पहले हम इसका ये डंठल निकाल देंगे बैंगन का, और इस तरीके से इसको काट लेंगे। आप चाहें तो गोल शेप में भी इसको काट सकते हैं, या फिर इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में भी काट सकते हैं। बैंगन का जो मोटापन है वो हम आधा इंच मोटा ही रखेंगे इसको। ये देखिए, इतना मोटा ही हमें बैंगन रखना है जो भी हम पीस काटेंगे तो। और इस तरीके से 4-5 पीसेस में हम बैंगन को काट लेंगे। जो कढ़ाई ऑयल से ग्रीस की थी उसमें बैंगन के पीसेस को इस तरीके से फैला के रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। अगर ढक्कन छोटा पड़े तो आप इसको प्लेट से भी इसको कवर कर सकते हैं, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। गैस का फ्लेम हमें याद रखना है कि स्लो ही रखें। और अब इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। बैंगन थोड़े भुनने लगे हैं तो इसको हम पलट देंगे। पलटते हुए हमें इन्हें पकाना है ताकि ये एक साइड में जले नहीं। इसी तरीके से हमें सभी पीसेस को पलट देना है। आप देख रहे हैं जो सबसे बीच वाला पीस है बैंगन का, वो एक साइड में भुन गया है, तो उसको हम पलट के दूसरी साइड में भी भून लेंगे। सारे पीसेस हमने पलट दिए हैं, फिर से इसको हम 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर से इनको चेक कर लेंगे पलट कर। इस तरीके से हम पलट देंगे इनको, और पलटने के लिए इनको हम एक अलग से पीसेस में निकाल लेंगे। जो पीस सॉफ्ट हो गए हैं उनको हम किनारे पे लगा देंगे, और जो ऊपर जो हमने पीसेस रखे थे उनको बीच में रख देंगे ताकि सभी पीसेस अच्छे से भुन जाएं। सारे पीसेस हमने पलट दिए हैं और इसको हम फिर से कवर कर देंगे। अब 2-3 मिनट बाद फिर से इसको ओपन करेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखिए, पीसेस सारे सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन ऊपर की साइड में अभी थोड़ा और भूनना बाकी है, तो हम इनको फिर से एक बार पलट देंगे। सभी पीसेस को पलट के फिर से भूनेंगे, और जो पीसेस भून चुके हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं उनको हम प्लेट में अलग निकाल लेंगे ताकि वो ठंडे हो जाए। ये देखिए, सारे पीसेस सॉफ्ट हो गए, भुन गए हैं पलटने के बाद। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बैंगन को डायरेक्ट गैस पर भूनते हैं तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये क्योंकि पीसेस कटे हुए हैं तो ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। और ठंडा होने पर इनको हम छील लेंगे, जो किनारों पर छिलका है उसको हम निकाल लेंगे हाथ से। तो अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करते हैं बैंगन का भरता बनाने में, तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आराम से आप किसी भी समय जब आपका मन करे या कोई गेस्ट आए तो झटपट बैंगन का भरता रेडी कर सकते हैं। तो सारे पीसेस पे से हम बैंगन के छिलके निकाल लेंगे, और आप देख रहे हैं बैंगन के जो छिलके हैं वो इजीली निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंगन अच्छे से भुन चुका है और सॉफ्ट हो गया है। सारे छिलके हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इनको हम एक बड़े बाउल में रख लेंगे। सारे पीसेस हमने छील लिए हैं, अब इनको एक बाउल में रख लेंगे। और या तो आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, या फिर मैशर ले सकते हैं और इस तरीके से इनको मैश कर लें ताकि ये इक्वल एक पेस्ट बन जाए। बैंगन हमने पीसेस में काट कर भुना था, इसीलिए बहुत अच्छे से भुन चुका है और सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है ताकि ये मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक पेस्ट बन गया है और आराम से मिक्स हो रहा है ये।
तो आप भी इसको ज़रूर इसी ट्रिक से बनाएं, तो आपके टाइम की भी बचत होगी और आप झटपट इसको आसानी से बना भी सकेंगे। तो हमने इसको इक्वल कर लिया है, अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और अब हम इसके लिए रेडी करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई रखेंगे, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 3-4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, साथ में 4-5 काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। इन सभी खड़े मसालों को चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ 10-12 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी बारीक कटा हुआ डालेंगे और इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक को हमें बहुत बारीक काटना है, साथ में ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और वो भी बारीक काटेंगे और उसको भी इसी ऑयल में डाल देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि लहसुन प्याज और अदरक अच्छे से हल्के ब्राउन होने तक नहीं भून जाते हैं, हमें इसे चलाते रहना है ताकि अच्छे से भून जाएं और जले नहीं। आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज कर सकते हैं और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और उनको बारीक काटा हुआ है और इनको डालकर मिक्स कर लेंगे। टमाटर बिल्कुल रेड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे पिसा हुआ मैंगो पाउडर। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर अच्छे से भुन जाए और मसालों में मिक्स हो जाए, इसके लिए हम इसको 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएं। तीन मिनट हो चुकी हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो बाहर आ रहा है मसालों से और सारे मसालों का एक सॉफ्ट पेस्ट बन के रेडी हो गया है। टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं मसाले में। अब इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था बैंगन का, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे मसालों में। बैंगन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने बैंगन को बिना डायरेक्ट गैस पर भुने हुए किस तरीके से बैंगन का भरता रेडी कर रहे हैं। तो आप भी ज़रूर इसी ट्रिक से बैंगन का भरता बनाइए और इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हम डायरेक्ट बैंगन गैस पर भूनते हैं और झटपट हो जाता है। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूं। इसको हम 2-3 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि बैंगन और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसालों में मिक्स हो जाए। 3 मिनट हो चुकी हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं बैंगन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मसालों में मिक्स हो गया है। तो बैंगन का भरता हमारा बनके रेडी हो गया है और बहुत ही कम समय में हमने ये रेडी किया है। बिना झंझट के हमने बैंगन का भरता बना लिया है, जिसके लिए हमें बैंगन को भूनने के लिए नहीं रखना पड़ा डायरेक्ट गैस पर। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे या अलग किसी बॉल में निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता देखने में लग रहा है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए।